माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री शिवराज सिंह जी चौहान, हम सभी के बीच यहाँ उपस्थित हैं, हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और अब मैं विनम्र निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे महंत श्री श्री 1008 परम श्रद्धेय राम प्रवेशदास जी महाराज के प्रति अपना आस्था समर्पण करें, उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय परम श्रद्धेय महंत जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हुए अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमती मालती राय जी महापौर जी से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेगी शॉल श्रीफल और तुलसी जी का पौधा भेंटकर। इसी क्रम में भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री कृष्ण मोहन चोरी मुनन जी से आग्रह है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वागत की इस परंपरा का निर्माण करने के साथ ही अब मैं निवेदन करूंगा मंच पर उपस्थित समस्त महानुभाव अतिथि सम्मानपूर्वक स्थान ग्रहण करें। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा नगर निगम भोपाल के विकास कार्यों का के अंतर्गत मानस भवन की शिला पट्टिका का रिमोट द्वारा यहां पर अनावरण किया जाएगा। स्क्रीन पर आप ये अनावरण देख सकते हैं। ये मतलब भगना पड़ेगा। और जोरदार कार्यों के साथ इस शिलान्यास के अवसर पर शिला पट्टिका के अनावरण पर आप सभी की कतर बने कमजोर न पड़े। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि भोपाल विकास प्राधिकरण के विकास कार्यों की शिला पट्टिका का अनावरण भी रिमोट द्वारा यहां पर करें। सर 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 अरे सर हटो तो। और अब एक फिल्म हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो मानस भवन यहां पर निर्मित होने जा रहा है। इस मानस भवन को परिकल्पना किस प्रकार की होगी इसकी एक संक्षिप्त वीडियो और स्क्रीन आप देख सकते हैं। मानस भवन परियोजना के तहत गुफा मंदिर के परिसर में जिसके अंतर्गत एक बहुउद्देशीय हॉल का निर्माण शामिल है। यह बहुउद्देशीय देशीय हॉल और आवास सुविधाओं का डिजाइन लालघाटी गुफा मंदिर की मौजूदा हिंदू मंदिर वास्तुकला के साथ सहजता से मिश्रित होगा। परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए टिकाऊ निर्माण प्रथाओं और ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाएगा। अब मैं भोपाल उत्तर विधानसभा क्षेत्र से, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष पूर्व महापौर आलोक शर्मा जी, हम सभी के लाड़े जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। गंगा मैया की बोलिए, नर्मदा मैया की बोलिए, हनुमान जी महाराज की बोलिए, हरे हरे। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि
मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी भाई साहब, एक बार मैं सबसे कहूंगा कि उनका जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हम स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन। गुफा मंदिर के महंत श्रद्धे राम प्रवेश दास जी, हमारी भोपाल की लोकप्रिय महापौर, हमारी बहन मालती राय जी, उनका भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। हमारे भोपाल विकास प्राधिकरण के सम्माननीय अध्यक्ष, पुराने भोपाल के ही चौक की माटी में जन्मे हुए शहर के बेटे, जो शहर का नाम रोशन कर रहे हैं, कृष्णमोहन सोनी जी का भी तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत है। भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भाई सुनील पांडे जी, भोपाल विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनिल अग्रवाल रिली जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता, उत्तर विधानसभा के संयोजक, महापौर परिषद के सदस्य सम्मानी मनोज राठौर जी, और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कुशल संगठक, उभरते हुए भोपाल के लीडर, पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई सुमित पचौरी जी का भी जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत। हमारे विश्व हिंदू परिषद के क्रांति संगठन मंत्री आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, जिनका की भोपाल की हिंदू समाज को लगातार मार्गदर्शन मिलता है, विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय मंत्री राजेश जैन जी, और श्री हिंदू सर समिति के सम्मानीय अध्यक्ष श्री संतोष साहू जी, और हमारी इस क्षेत्र की पार्षद प्रियंका मिश्रा जी, उनका भी तालियां बजाकर स्वागत। हमारी बहन पार्षद सरोज आचार्य जी, और उपस्थित सभी महंतों के लिए ताली, और साधु संतों के लिए भी ताली। सभी सम्मानित बटुकगण, सभी व्यापारीगण, सभी सेब के गणमान्य नागरिक भाइयों, सभी माताओं बहनों, पुराने भोपाल के प्राचीनतम ऐतिहासिक गुफा मंदिर पर मानस भवन के भूमि पूजन के अवसर पर मैं प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री, प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का पुराने शहर की जनता की ओर से, उत्तर विधानसभा की जनता की ओर से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मेरा आप सबसे निवेदन है कि वास्तव में शिवराज भाइया का जन्म सीहोर के जेत गांव में जरूर हुआ हो, परंतु उनका छोटे से जो पड़े हुए हैं, उनका क्षेत्र अगर कहीं रहा है तो पुराने शहर के अंदर उन्होंने पांचवी क्लास की पढ़ाई करके वो शहर में साइकिलों में घूम घूम कर आज मध्य प्रदेश में वही आंधी नहीं तूफान है आज प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनका तर्पण ध्वनि से जितना स्वागत करें हम उतना करें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमेशा सनातन धर्म संस्कृति को आगे रखते हुए विकास कार्यों पर ध्यान दिया है, इसके कारण आज मध्य प्रदेश में चाहे सड़क हो, चाहे बिजली हो, चाहे फ्लाईओवर हो, चाहे पानी हो, चाहे युवाओं के लिए कोई योजना हो, किसानों के लिए कोई योजना हो, या मध्यम वर्गीय के लिए कोई योजना हो, आपके नेतृत्व में आपने पूरे मध्य प्रदेश में संस्कृति को सजाने, संस्कृति को सवारने का काम किया है, जो आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का कार्य करेगा। आज उज्जैन का महाकाल लोक हो, आज सरकनपुर का धाम हो, मैयर का धाम हो, चित्रकूट का धाम हो, और सामने राम राजा सरकार का धाम हो, और ओंकारेश्वर में
आदित्य लोक का नाम हो। सभी जगह आपने लोक बनाकर धर्म और लोक संस्कृति की स्थापना की है। इसके लिए पुराने भोपाल की जनता आपका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करती है, वंदन करती है, अभिनंदन करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुराने भोपाल में एक ये गुफा मंदिर जो है, ये हम सब भोपाल के शहरवासियों के लिए बड़ा आस्था का केंद्र है। पिछले लंबे समय से पुराने शहर के गुफा मंदिर पर लंबे समय से एक बड़े मानस भवन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। ये चूंकि ये सामने ये मानस भवन है, काफी छोटा है, काफी झिमझिम अवस्था में हो चुका है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पिछले दिनों भगवान परशुराम जी की जयंती के ऊपर गुफा मंदिर पधारे थे और गुफा मंदिर पे बागेश्वर धाम भी पधारे थे और आपसे गुफा मंदिर के महंत राम प्रवेश दास जी ने और मैंने स्वयं आपसे निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी गुफा मंदिर पर एक सर्व सुविधा युक्त मानस भवन बनना चाहिए। मैं इस अवसर पर प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को भोपाल के हिंदू समाज की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमारा निवेदन स्वीकार ही नहीं किया और अपनी दिल की उदारता का परिचय देते हुए 35 करोड़ रुपए की राशि आपने स्वीकृत की है। एक बात तालियों की गड़गड़ाहट। ये जो मानस भवन है, ये मानस भवन 3000 श्रद्धालु एक साथ इसमें बैठेंगे और चाहे भागवत गीता हो, राम कथा हो, शिव पुराण हो या अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रम हो, हम यहाँ पे सुचारू रूप से कर सकते हैं। निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका ध्यान पुराने भोपाल के चौक बाजार की तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ, जहाँ वाहन की पार्किंग नहीं है। बाजार के अंदर माताएं बहने बेटा बेटी की शादी होती है, लगुन सरा के कपड़े खरीदने के लिए आती हैं, सराबे में जेवर खरीदती हैं, चारों तरफ अतिक्रमण हो गया, वाहन खड़े रहते हैं, वाहन की कहीं पार्किंग नहीं होती, जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अरे करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? और इसके लिए मैं आप आदरणीय भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि पुराने शहर का जो लखेरा पूरा है, चौके सुभाष चौके लोहा बाजारे सरापा चौके भिराई पूरा है, जुमराती है, पार्किंग ना होने के कारण चौक बाजार में काफी बाजार का काम कम हो गया है, खरीद फरोख कम हो गई है। अरे हो गई है कि नहीं हो गई? अरे हो गई तो खड़े होके बता दो जरा मुख्यमंत्री जी को ताली बजाकर कि चौक का बाजार आज कितना कम हो गया। बैठ जाइए। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे मांग करता हूँ, चौक बाजार के पास ही मोती मस्जिद और इकबाल मैदान के सामने यहाँ पे नागरिक बैंक हुआ करता था, जिसको कि भोपाल के लोग शीश महल के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की देखरेख में है। इस स्थान पर फोर व्हीलर और टू व्हीलर के लिए आधुनिक पार्किंग के निर्माण की आप घोषणा करें। ये पुराना भोपाल आपका हृदय से आभारी रहेगा। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ कि आप इसका यहाँ पे वीडियो भी प्रस्तुत किया जाएगा। बातें तो मुख्यमंत्री जी बहुत सारी करना थी, एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी, ये पुराने भोपाल का प्राचीन स्थल है गुफा मंदिर, यहाँ का मार्ग काफी सकड़ा है, बोलो यहाँ फोर लेन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? माननीय मुख्यमंत्री जी, फोर लेन की एक आप घोषणा करें और बरेला की एक समस्या है, 10 फीट का रोड भी यहाँ से आज से ही खोला जाए। बोलिए भारत माता की।
भारत माता की, यावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में और विश्व का, संत समाज की। आज हमारे सबसे बड़े धार्मिक चेतना के केंद्र, हमारी प्रेरणा, भोपाल के धर्म का केंद्र गुफा मंदिर आज से नहीं, सैकड़ों वर्षों से इस गुफा मंदिर के महंत परम सिद्धेश श्री 1008 राम प्रवेश दास जी महाराज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। संपूर्ण संत समाज, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे बहन मालती राय जी महापौर, भाई कृष्णमोहन सोनी जी भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष, भोपाल की पहचान बर्रुकाट भोपाली जी। और सचमुच में आज भोपाल को कोई दिशा अगर दे सकता है तो मेरा अपना अटल विश्वास है वो आलोक शर्मा ही दे सकता है। ये जो मूल भोपाल है, बाकी तो ब्याज है, मूल भोपाल जो अपना चौक, अपना सराफा, अपना लोहा बाजार, जो पुराना भोपाल कहलाता है, असंदिग्ध रूप से उसके लीडर, वहां सेवा और काम करने वाले और धर्म और संस्कृति के लिए काम करने वाले भाई श्री आलोक शर्मा जी, भाई किशन सूर्यवंशी जी, भाई मिली जी, सुनील जी, मनोज जी, बहन विनीता जी, हमारी बेटी है ये प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय सुमित पचौरी जी, हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय संगठन मंत्री जी भी यहां पधारे हैं, आदरणीय खगेंद्र भार्गव जी, भाई राजेश जैन जी, संतोष साहू जी, हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष यहां उपस्थित, मेरे प्रिय बहनों भाइयों, बटुक विराजे हैं लेकिन मेरे दिल से तो भाइयों भांजे ही आवाज निकलती है। एक अद्भुत रिश्ता है मामा का भांजे और भांजियों से, इससे पवित्र रिश्ता कोई दूसरा नहीं है। महाराज जी हमारे यहां गांव में कहावत थी कि 100 ब्राह्मण ने एक भागेंगे, ये हमारे गांव में कहावत थी कि 100 ब्राह्मण की सेवा के बराबर एक एक भागेंगे की सेवा है, तो मेरे तो कितने भागेंगे। लेकिन आज हम सब आनंदित है, देखिए भारत को, और केवल भारत नहीं पूरी दुनिया को भी बचाने का कोई काम करेगा तो हमारा सनातन ही करेगा, देखना। कई लोग मुझे कहते हैं ये मुख्यमंत्री को क्या हो गया, वो कहीं पुलपुलिया सड़क अस्पताल स्कूल बनाने के बजाय महाकाल महालोक बना रहे, देवी लोक बना रहे, शंकराचार्य जी की प्रतिमा लग रही है, हनुमान लोक बन रहे हैं, राम राजा लोक बन रहे हैं, संतों के स्मारक बन रहे हैं, क्या ये मुख्यमंत्री का काम है? मैं कहता हूं पुल पुलिया स्कूल अस्पताल सड़क बनाना तो मुख्यमंत्री का काम है ही, लेकिन धर्म और संस्कृति के संरक्षण का काम करना और बढ़ाना ये भी मुख्यमंत्री का काम है, सरकार का। जब कांग्रेस की सरकारें होती थी तो मंदिरों में एक पैसा नहीं लगाते थे, कहते ये हमारा काम छोड़, लेकिन मैं कहता हूं कि ये हमारा ही काम है, हमारा नहीं तो किसका काम है भाई। और मैंने पहले भी कई बार कहा हिंदुत्व अद्भुत है, हिंदुत्व क्या है, एक अवसर विपरा बहुधा वसुंधति, आत्मवत सर्वभूतेषु सिया राममय सब जग जानी, वसुदेव कुटुंबकम, धर्म की जय हो हिंदुत्व है, अधर्म का नाश हो हिंदुत्व, प्राणियों में सद्भावना हो हिंदुत्व है, और केवल अपना नहीं
विश्व का कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। ये हमारे संत जो खड़े रह के दुनिया के कल्याण की कामना करते हुए उद्घोष करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित दुख भाग भवेत्। केवल मैं नहीं, सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, ये हिंदुत्व है। और यही हिंदुत्व भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा, ये मेरा अटल विश्वास है। और इतने संतों की सेवा करना है तो बड़े भाग्य, कबीर संगत साध की निष्फल कभी न होए, ऐसी चंदन वास्ता नीम न कहती कोई, संतों का संग मिल जाए वो भाग्य सौभाग्य है जी, क्या आज आपके दर्शन करने का अवसर मिला है। बिन सत्संग विवेक ना हो, राम कृपा बिन सुलभ न कोई, तो राम जी की कृपा है। अभी गुफा मानिए अपने धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र, यहां मानस भवन तो बनेगा ही, 34,83,00,000 रुपए की लागत से, लगभग 35 करोड़ रुपए। लेकिन महाराज जी, आज मेरे मन में आया कि भोपाल में भी गुफा लोक क्यों ना बना दिया जाए। और इसलिए आप रूपरेखा तैयार कर लो, महाराज जी का मार्गदर्शन, संतों का संग, आलोक जी आगे बढ़ो भाई, पूरी रूपरेखा तैयार करो, मेयर साहब जी और भोपाल विकास प्राधिकरण जी। अब भगवान भोलेनाथ की कृपा है, पैसे की कमी मामा को होती नहीं है, इसलिए तो सब होगा चला जा रहा। ये उन्हीं की कृपा है, उनके चरणों में बारंबार प्रणाम। आज पूरे प्रदेश बैठा है एक जगह से, मैं रविंद्र भवन, उसके पहले अभी रसोई गैस 450 में देना है, तो मेरी बहना पैसे डाल रहा हूं खाते में, ज्यादा में ले ली तो वो कार्यक्रम भी करना है। आज हजारों जगह कार्यक्रम है एक जगह से, और मैं एक घंटे से ज्यादा लेट हूं, पूरे प्रदेश में घर घर शहर शहर गांव गांव लोग बैठे हैं, इसलिए मैं संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए, ये मानस भवन तो बनेगा ही, गुफा लोक की एक कल्पना ऐसी करते हैं अद्भुत। यहां जमीन कितनी महाराज जी अपने पास, लगभग अपन कुछ रचना बनाते हैं, इसमें क्या बनाया जाए जो धर्म और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रेरणा देता रहे। आपके चरणों में प्रणाम, आप सबको भी प्रणाम। आप और एक अपील मेरी, भोपाल को बचाने की, संतों का भी, अभी आपने कहा वहां व्यापारी भाइयों की सुविधा के लिए कौन सी पार्किंग जो कहोगे बना देंगे, आप शीश महल पार्किंग भी बनेगी, उसमें क्या देखेंगे, वो भी बनाई जाएगी, व्यापार चले ठीक से, अपना अपना सराफा, अपना चौक बाजार, अपना घोड़ा नक्काश, अपनी चलैया, अपना लोहा बाजार, ये सब आवाज रहे और बिजनेस व्यापार चलता रहे, इसलिए वो भी बनाया जाएगा। और गुफा लोक की कल्पना को भी हम क्या स्वरूप दें, संतों के साथ बैठ कर तय कर लें। मैं भी कुछ अधिकारियों की एक टीम लगाऊंगा और वो टीम मिलकर फिर तय कर देगी कि क्या करना है, और मैं पैसे का इंतजाम पूरा उस कल्पना को उतार लेके उन्हीं की कृपा, महादेव भगवान उन्हीं की कृपा से, जब संकट में होते तो उन्हीं के शरण में चले जाते, पानी नहीं गिर रहा था तो मेरे मन में आया करूं क्या, ले गया भाई चला जा महाकाल की शरण में, तो चले गए गिर गया पानी, तो उन्हीं की कृपा से सब हो रहा है। उनके चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, बोलिए भारत माता की, हर हर महादेव। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मैं मनोज राठौर जी MIC से आग्रह करूंगा कि वे पधारें, आभार व्यक्त करें।
सभी व्यापारियों से भी निवेदन करेंगे, अपने स्थान पर बैठे रहेंगे, वो अलग ही देख के जाएंगे, ऐसे जो पार्किंग की व्यवस्था उसको भी देख के जाएंगे। हम सबके बीच में पधारे मध्य प्रदेश के जननायक आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी,